एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे श्री गुरु नानक देव जी की ड्राइंग। एंड इस ड्राइंग का आउट एंड ट्यूटोरियल मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। एंड आज की इस ड्राइंग के लिए हम यूज करेंगे डॉम्स ऑयल पेस्टल। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम नीडेबल इरेजर से आउटलाइन को लाइट कर देंगे एंड ग्रिड लाइंस को भी इरेज कर देंगे। तो हम ड्राइंग को द स्टार से स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम लाइट ब्राउन को यूज करेंगे। जिस एरिया में ज्यादा डार्क है वहां ज्यादा प्रेशर से, एंड बाकी एरियाज में नॉर्मल प्रेशर से ही कलर को यूज करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि मैं कैसे लेयर वाइज कलर्स को यूज कर रहा हूं, एंड मैं जो भी कलर्स का यूज कर रहा हूं उनके नेम्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो लेमन येलो को यूज करते समय आपको हाइलाइटेड एरियाज को छोड़ के ही शेड करना है। अब हम हाइलाइटेड एरियाज में व्हाइट कलर का यूज करेंगे। अब हम ब्लेंडिंग करेंगे, जिसके लिए हम कॉटन बड के ऊपर व्हाइट कलर को अप्लाई करेंगे एंड देन ब्लेंडिंग करेंगे, ताकि ब्लेंडिंग स्मूथ हो। एंड पहले लाइट एरियाज में ब्लेंडिंग करेंगे, देन डार्क एरियाज में। अब हम डार्क एरियाज में ब्राउन कलर का यूज करेंगे एंड लाइट एरियाज में व्हाइट कलर का यूज करेंगे। चारकोल पेंसिल की हेल्प से डिटेल्स को ऐड करेंगे एंड देन हम यूज करेंगे सीजर एंड कलर को स्क्रैच करके हाइलाइट्स को ऐड करेंगे। दस्तार के कंप्लीट होते ही हम फेस में भी कलर्स को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। पहले हम ब्राउन कलर से शेडिंग करेंगे डार्क एरियाज में ज्यादा प्रेशर से एंड बाकी एरियाज में नॉर्मल प्रेशर से। एंड कलर्स को यूज करते समय हम हाइलाइटेड एरियाज को छोड़ के ही शेडिंग करेंगे। सभी कलर्स यूज करने के बाद हम एक बार व्हाइट कलर का यूज कर देंगे, ताकि ब्लेंडिंग अच्छे से हो। अब हम चारकोल पेंसिल की हेल्प से डिटेल्स एंड डार्कनेस को ऐड करेंगे। अब हम आर्म एंड हैंड के लिए भी सेम वैसे ही कलर्स को यूज करेंगे जैसे हमने फेस में यूज किया था। हैंड के सेंटर में हम सिर्फ व्हाइट कलर का ही यूज करेंगे। क्लोज के येलो पार्ट के लिए हम सबसे पहले लाइट ब्राउन कलर का यूज करेंगे। बेसिकली लाइट ब्राउन कलर का यूज हम क्लोज के डेप्थ वाले एरियाज में करेंगे। डेप्थ वाले एरियाज को डार्क करने के लिए हम ब्राउन कलर का यूज करेंगे।
क्लोथ्स के ब्लू पार्ट के लिए सबसे पहले हम प्रशन ब्लू को डेप्थ वाले एरियाज में ज्यादा प्रेशर से एंड बाकी एरिया में नॉर्मल प्रेशर से यूज करेंगे। देन हम ब्लू के बाकी शेड्स का भी यूज करेंगे। अब हम बियर्ड में कलर्स को फिल करेंगे। बियर्ड का मेजर पार्ट तो व्हाइट है बट कई के जगह पे हम ग्रे कलर का यूज करेंगे। अब हम बियर्ड की हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए सीजर का यूज करेंगे। एट द एंड हम यूज करेंगे व्हाइट एक्रेलिक कलर एंड ब्राइट हाइलाइट्स को ऐड करेंगे। सतगुरु नानक परगटिया मिटी तुंद जग जानन होआ। सो गाइस इसी के साथ ड्राइंग होती है कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन के लिए बाय बाय।